सदर विधायक सुदेव कुमार के टुंडी रोड स्थित आवास पर रविवार को NMOPS का दल पहुंचा और ज्ञापन सौंपा। इस शिष्टमंडल में जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अगुवाई में NMOPS के प्रांतीय उपाध्यक्ष उज्जवल तिवारी, जोनल संगठन सचिव इम्तियाज अहमद, प्रांतीय महिला उपाध्यक्ष समा प्रवीण, देवघर संयोजक आलोक राज, गिरिडीह NMOPS संरक्षक घनश्याम गोस्वामी, प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद, झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष अनुप कुमार सिन्हा, महासचिव मुक्तेश्वर प्रसाद समेत लगभग 200 लोग मौजूद रहे। बताया गया कि विधायक को सत्तारूढ़ दल के संकल्प के आलोक में मोराबादी में 29 दिसंबर 2021 को संपन्न कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए उद्घोषणा को लागू करने के लिए वर्ष 2004 के उपरांत सेवा में योगदान करने वाले राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सदर विधायक के द्वारा ज्ञापन दिया गया। यहां विधायक को संबोधित करते हुए जिला संयोजक शिष्टमंडल के सदस्यों ने कहा, आपके उद्घोषणा और आश्वासन से राज्य के समस्त पेंशन विहीन कर्मचारियों और अधिकारियों में अपने जीवन के उत्तरार्ध में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद मजबूत हुई है। इसके लिए राज्य के समस्त पेंशन विहीन कर्मचारी हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। हम सरकार द्वारा की गई औपचारिक घोषणा को शीघ्र ही आधिकारिक स्वरूप देते हुए पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की अपेक्षा रखते हैं। आज पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर विभिन्न कर्मचारी संगठन के लोग मुझसे मिले, अपना एक ज्ञापन सौंपा और यह आग्रह किया कि तमाम कर्मचारी संगठनों की भावनाएं यथारूप माननीय मुख्यमंत्री तक जाए। मेरे तरफ से भी नहीं आश्वस्त किया गया है, देश की राजनीति में किसी राजनीतिक संगठन ने सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की बात कही और अपने प्रतिज्ञा पत्र में या अपने घोषणा पत्र में शामिल किया वो झारखंड मुक्ति मोर्चा था। और हेमंत बाबू ने जो कहा है वह निश्चित रूप से धरातल पर उतरेगा। कर्मचारियों के मन में थोड़ा सा यह संशय भी था कि शायद अंतिम चुनावी वर्ष में ये घोषणाएँ धरातल पर उतरे। मैंने बिल्कुल आश्वस्त किया है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से इस विषय पर चर्चा करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि तमाम संगठनों को दूर करते हुए जितनी जल्दी हो सके इस पेंशन पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा कर दी जाए। और मुझको उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इस विषय में सरकार की तरफ से सकारात्मक पहल होगी और हमारे तमाम कर्मचारी जो सर्विस पीरियड के बाद अपने रिटायरमेंट की लाइफ के लिए चिंतित हैं उनको रिटायरमेंट की लाइफ की चिंता से मुक्त करते हुए राज्य और राज्यवासियों की बेहतरी के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। आज NMOPS के बैनर तले स्थानीय सदन विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू की आवाज रुकिए सर, जिले के विभिन्न संगठनों के हमारे प्रतिनिधि माननीय विधायक से आज आवास पर मिले। मुख्य बात सरकार के घोषणा पत्र के आलोक में पुरानी पेंशन बहाली का था, हमारी ये मांग रही है और सरकार ने भी इसे सकारात्मक रूप से जल्द से जल्द लागू करने का विधायक जी ने भरोसा दिलवाया है। हम सभी संगठन कर्मी निश्चित रूप से एकजुट होकर इस मुहिम को जो आरंभ हुआ है वो अंजाम तक पहुंचाएंगे और पुनः सरकार से उनके वायदे के मुताबिक और हमारी हक के अनुसार जितनी जल्दी हो इस बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री करें, ऐसी मांग और ऐसी आवाज़ हमारे NMOPS के पूरी पदाधिकारियों और संगठन की ओर से आया है। हम इसकी मांग करते हैं कि यथाशीघ्र पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की जाए।